का बेहद विश्वसनीय मेडिकल स्टोर कविता मेडिसिन्स वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ जयपुर के गैस्ट्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोस्टॉक से होने वाले ऑपरेशन के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर के एस नारायण प्रत्येक रविवार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा कब्ज, दस्त, हिचकी, उल्टी, पीलिया, खून की उल्टी होना समेत पेट और लिवर से संबंधित सभी रोगों का इलाज किया जाता है। वहीं धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो और मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार प्रत्येक बुधवार को बैठते हैं। इसी तरह फोर्टिस बंगलौर से आए प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार सोमवार से शनिवार तक यहाँ मरीजों को देखते हैं। इधर फोर्टिस कोलकाता से आए शल्य चिकित्सक एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार माथुर भी मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो धनबाद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ सोमवार को यहाँ बैठते हैं। तो आज ही संपर्क करें कविता मेडिसिन, महावीर मार्केट, अपोजिट पंच मंदिर, कोट रोड, गिरिडीह। हुनर है पास तभी है आस, बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी आयोजित कर रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जो 8वीं उत्तीर्ण हो, उनके लिए सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, डीटीएच सेट व डीएएस सेट इंस्टॉलेशन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को टी शर्ट व सफल प्रशिक्षितों को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो आज ही जुड़े, 400 घंटे का लॉन्ग कोर्स और 12 घंटे का शॉर्ट कोर्स उपलब्ध है। हमारा पता झुको देवी इंटर कॉलेज बलगो मोतीलीदा गिरिडीह। विगत 48 वर्षों से चिकित्सीय सेवा देता आ रहा है गद्दी मोहल्ला स्थित शहर का सबसे पहला नर्सिंग होम बसंती देवी गोयनका सेवा सदन। इस नर्सिंग होम में 3 आधुनिक एसी केबिन, 14 केबिन, जनरल वार्ड में 50 बेड, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पैथोलॉजी वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में रांची के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार रविवार व सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार से हर्निया, हाइड्रोसिस, अपेंडिस, किडनी या पित्त की थैली में पथरी, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, पेट संबंधित कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मस्कुलर सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या बच्चे के किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता साव अपनी सेवा देती हैं। पता बसंती देवी गोयनका सेवा सदन, गद्दी मोहल्ला, गिरिडीह। शौर्य होंडा में होंडा के दो पहिया वाहन का फुल रेंज मौजूद है। यहाँ फाइनेंस तथा शीघ्र रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। I've heard the Albert Gallery has a great collection. I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard the games this week will be thrilling. I've heard St. Thomas is very pretty. सॉरी होंडा में अत्याधुनिक सर्विस सेंटर मौजूद है, जहां होंडा के दो पहिया वाहनों के सभी बाइक व स्कूटी की सर्विसिंग आधुनिक तकनीक द्वारा की जाती है। यहां ग्राहकों को बैठने के लिए एसी कस्टमर लॉन्च की सुविधा है, जहां टीवी तथा ठंडे पानी की व्यवस्था है। ग्राहकों से आग्रह है कि होंडा के बाइक या स्कूटी का सर्विसिंग यहां अवश्य करवाएं। भीड़ से बचने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर आप अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं। पता बड़ा चौक के निकट टुंडी रोड, गिरिडीह। अब आपकी फुर्सत के क्षण होंगे और भी खुशगवार, क्योंकि एक से एक रोमांचकारी झूलों के साथ शहर के बीटी फील्ड में आ गया है डिज्नीलैंड मेला। यहाँ आप टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला, नौका झूला, 3-in-1 झूला, मारुति झूला, स्कॉर्पियो झूला समेत अन्य कई देसी विदेशी झूलों का मजा उठा सकते हैं। वहीं खिलौने, मनिहारी, हैंडीक्राफ्ट, क्रॉकरी, आचार, कंगन आदि की दुकानें भी यहां कर रही है आपका इंतजार। मौत का कुआं मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, तो देर न करें, आज ही पहुंचे हाई स्कूल मैदान और करें सैर एक रोमांचक दुनिया की। हमारा पता बीटी फील्ड, रेड क्रॉस भवन के सामने, गिरिडीह। शहर का एकमात्र ISO सर्टिफाइड पैथोलॉजी लैब रखता है ख्याल आपकी सेहत का। यहाँ अत्याधुनिक मशीन और कंप्यूटराइज्ड ऑटो एनालाइजर मशीन द्वारा सैकड़ों बीमारियों की जांच बारीकी से की जाती है और आपको मिलता है परफेक्ट टेस्ट रिपोर्ट।
यहाँ होम कलेक्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही थायोकेयर डॉक्टर लाल पैथ लैब मेडिलैंड और डायग्नो लैब में भी जांच की सुविधा है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार ब्लड शुगर टेस्ट 50% डिस्काउंट पर ब्लड प्रेशर निःशुल्क नापा जाता है। यहाँ IMPR कोलकाता द्वारा संचालित पैथोलॉजी कोर्स में डिप्लोमा करवाया जाता है। हमारा पता बंगला स्कूल के सामने मगतपुर गिरिडीह। LG सैमसंग BPL अकाई संतोष उषा तूफान हेवल्स यूनिनॉर ब्लैकबेरी वेस्टर्न आदि नामवर कंपनियों के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का नायाब कलेक्शन यानी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पचम्बा रजाक चौक पर खुले इस प्रतिष्ठान में टीवी फ्रिज कूलर AC पंखा आयरन इंडक्शन चूल्हा समेत तमाम तरह के संबंधित उत्पाद मौजूद हैं, वह भी उचित मूल्य पर। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी सामान मंगाए जाते हैं, तो आज ही पहुँचे सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। पता याद रखें, रज्जाक चौक पचम्बा गिरिडीह। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम यूरोलॉजी एंडोस्कोपी सर्जरी एंड मैटरनिटी केयर सेंटर गिरिडीह का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गिरिडीह के एकमात्र यूरोलॉजी एंड जनरल सर्जन डॉक्टर विकास लाल के कुशल मार्गदर्शन और डॉक्टर आरती लाल व डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में कई सुविधाओं और नई तकनीकों से लैस गोवर्धन लाल नर्सिंग होम। नवजात बच्चों को होने वाले जॉन्डिस के इलाज के लिए फैसिलिटी ऑफ फोटोथेरेपी एंड बेबी बाथ। फर्स्ट टाइम इन योर सिटी वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ एंडोस्कोपी अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर डिलक्स रूम्स कंफर्टेबल वेटिंग हॉल कैंटीन पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिग स्पेस फॉर पार्किंग और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। मेट्रो सिटीज की तरह दूरबीन द्वारा किडनी पेशाब नली व पेशाब की थैली की पथरी का इलाज और साथ ही प्रोस्टेट का इलाज भी संभव। कन्या बचाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर 10,000 तक की छूट। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम अपोजिट गाली होटल बरगंडा गिरिडीह। नक्सलियों का एरिया कमांडर धराया, सर्च ऑपरेशन में बिहार बॉर्डर से पकड़ा गया लालमोहन यादव, SP ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बेगाबाद में गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की मौत, स्कूल प्रबंधन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। JMM कार्यालय में संयुक्त विपक्ष की बैठक, 5 जून की बंदी की बनी रणनीति, भूमि अधिग्रहण बिल मुद्दे पर होगा आंदोलन। और यूनियन बैंक की शाखा का हुआ आधुनिकीकरण, सुसज्जित शाखा का हुआ उद्घाटन, उपायुक्त समेत कई गणमान्य हुए मौके पर मौजूद। झारखंड बिहार के बॉर्डर से लालमोहन यादव पकड़ा गया है, SP ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे गिरिडीह पुलिस के अभियान को लगातार सफलताएं मिल रही है। एक बार फिर पुलिस व CRPF की संयुक्त टीम ने गिरिडीह जमुई सीमा पर अवस्थित हरकुंड के पूर्व जंगली क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर लालमोहन यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत SP सुरेंद्र कुमार झा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गिरफ्तार लालमोहन 25 से अधिक नक्सली कांडों का वांछित है। इस पर बिहार सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बताया गया कि झारखंड में इसके विरुद्ध 4 कांड दर्ज हैं, जिसमें 3 कांड भेलवा घाटी में और 1 कांड लोकाय नयनपुर में दर्ज है। इस सर्च ऑपरेशन की कमान खोरी महुआ SDPO प्रभात रंजन बरवार संभाल रहे थे, वहीं इनके साथ CRPF 7वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय कुमार
भेलवा घाटी थाना प्रभारी सुनील कुमार सदल बल मौजूद थे। ज्वाइंट ऑपरेशन में बेलवा घाटी और चकाई थाना क्षेत्र के बिहार के दुर्दांत एवं खतरनाक नक्सली लालमोहन यादव की अरेस्टिंग हुई है। इसी के आप जानते हैं कि यह एरिया कमांडर था और बिहार सरकार के द्वारा इसके 50,000 के नाम भी घोषित किया गया है। अभी तक जो साक्ष्य आए हम लोग समझ जो रिकॉर्ड आया है उससे पता चला है कि इसके झारखंड में 4 से 5 केस और बिहार में कुल मिलाकर 20 से 25 केस प्रतिबंधित हुए हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है, आगे जो भी साक्ष्य आएगा आपको बताया जाएगा। गड्ढे में डूबने से बेंगाबाद के एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि स्कूल की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ताराटांड पंचायत स्थित नई टाण गाँव में संचालित डेविनेट पब्लिक स्कूल की है। यह स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर एक पानी के गड्ढे में गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में संचालित इस विद्यालय में नर्सरी क्लास का एक छात्र नीलेश कुमार स्कूल आवर में शौच के लिए स्कूल से सटे एक कुआं के निकट खुदे गड्ढे के समीप गया था। बरसात के मौसम के कारण बच्चा गड्ढे में फिसल कर गिर गया। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने आनंद फानंद में बच्चे को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधक मौके से भाग खड़ा हुआ। इस दौरान जब बच्चे के अभिभावकों को इस घटना की खबर लगी तो परिजन भागे भागे नर्सिंग होम पहुंचे और अपने मासूम के निर्जीव जिस्म को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। यहां भी जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजन सदमे के स्थिति में हैं। बताया गया कि मृतक छात्र नीलेश ताराटांड निवासी निरंजन शर्मा का पुत्र है। सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल का टाइमिंग था 7 बजे घर में, उसी घर में आया और वो बच्चा बैठा बैग रखा और वो पीछे गेट है, छोटा सा गेट है जो बंद रहता है, लेकिन कभी कभी बच्चा लोग उधर से निकलता है, तो खुला था उसी घर में और बच्चा लोग साथ ही, ठीक है। एक बगल में 3-4 फीट का गड्ढा है, उसमें पानी था, उसमें डूब जाने के कारण फिसल गया, उससे बच्चा डूब गया। क्या नाम है बच्चे का? नीलेश कुमार, 3.5 साल। मामला ये, मेरा बच्चा को स्कूल का सभी टीचर वगैरह सब मार दिया मेरा बच्चा को, क्योंकि एक बार हम जाके कंप्लेन किए थे अपना बच्चा के लिए स्कूल में, वो लोग क्या किया था, बच्चा को लेटरिंग हो गया था तो वो लोग पेंट में रखा था और उसी तरह घर भेज दिया था। जबकि ये कंप्लेन लेके किए और उसको बोले अगर आपके स्कूल में इस तरह केयर करने का सुविधा नहीं है तो अब मेरा बच्चा का एडमिशन कैंसिल कीजिए। बच्चा को सुबह 7:15 बजे स्कूल छोड़ के आए और आके हम ड्यूटी में नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकले और पचम्मा तक आए, तब तक मतलब दूसरा कोई हमको फोन किया, स्कूल का टीचर भी फोन नहीं किया। और जब हमको पता चला कि हाँ हॉस्पिटल लेके हम लोग आया गए तो देखते बच्चा मरा होगा। पब्लिक स्कूल नहीं का पता है, हमको नहीं पता, हम स्कूल घूम के देखते नहीं है जी। तो ऑफिस में जाके हम जो फीस वगैरह जमा करना होता है ऑफिस में करते हैं, ये सब हम जानते नहीं, लेकिन वो लोग पक्का मार दिया मेरा बच्चा को, क्योंकि हम उसको एक बार कंप्लेन कर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेडी शाखा अब आधुनिक हो गई है। सोमवार को इस सुसज्जित शाखा का विधिवत उद्घाटन उपायुक्त मनोज कुमार व बैंक के महाप्रबंधक अतुल कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। गिरिडीह का यूनियन बैंक अब हाईटेक हो गया है, बैंक को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। सोमवार को इस सुसज्जित बैंक का विधिवत उद्घाटन उपायुक्त मनोज कुमार और बैंक के महाप्रबंधक अतुल कुमार के हाथों संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर उप महाप्रबंधक अंकेश जैन समेत बैंक के अधिकारी कर्मी मौजूद थे। यहां बेहद खुशनुमा माहौल में इस कार्यक्रम को संचालित करवाया गया।
ये यूनियन बैंक की जो शाखा है ये बहुत पुरानी यहाँ पे शाखा है, उसको रिनोवेट करके और ज़्यादा स्पेशियस बना करके इस शाखा को एक नया रूप दिया गया है और इससे जो है कस्टमर्स को ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होगी। मैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मॉडलिंग में हम लोगों ने कोशिश की है इसको ज़्यादा अच्छी सुविधा है ग्राहकों को, जो भी यहाँ पे हमारी शाखा में आते हैं उनको उचित व्यवस्था मिले और पूरी तरह की सहूलियतें मिले, साथ साथ सेवाओं को भी बेहतर किया है, उसी दृष्टि से इसका भी मॉडलिंग की है। क्षेत्र रानी सती मंदिर के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिला जो कि ट्रेन से कटकर मरा। सुबह 10 बजे ट्रेन से जाने वक्त हादसा हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी रानी सती मंदिर के समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इधर घटना की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंची एवं अज्ञात शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया। घटना जब हुई है तो हम लोग को SS खबर करता है स्टेशन, कहीं भी ब्लॉक सेक्शन में स्टेशन पहुँचने पर तुरंत हो जाता है लेकिन ब्लॉक सेक्शन में थोड़ा लेट होता है आने में। हम लोग कितने बजे की घटना है ये हम लोग को 10:15 के बीच में मेमो मिला था स्टेशन प्रबंधक द्वारा गिरिडीह कि भाई कोई आदमी अलग हो गया। फिर घटना सब हम लोग को 10:30-11 से हैं यहीं पर हैं, अभी तक कोई मृतक का आदमी नहीं आया है और ना कोई पहचान किया है। अभी शव को क्या किया जाएगा सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजा इस तो फिलहाल हम लोकल थाना सदस्य आपका सदर अस्पताल इनको भिजवाएंगे, वो घोषित करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर RPF। सर जैसे बॉस गर्ल्स हाई स्कूल में सोमवार से लड़कियों के लिए एक महीने के कराटे क्लास प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा आयोजित इस निःशुल्क कैंप में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर बताए गए। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा लड़कियों की आत्मरक्षा हेतु एक महीने के कराटे क्लास का प्रारंभ सोमवार को बालिका उच्च विद्यालय में किया गया। लड़कियों के लिए निःशुल्क इस क्लास का प्रशिक्षण करण कुमार के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण सत्र मंच की अध्यक्षता कविता राजगढ़िया, सचिव लक्ष्मी शर्मा, वंदना मोदी, प्रीति सुरोहीवाला, वंदना नेमानी, रीमी अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, पिंकी खेतान आदि के देखरेख में संचालित हो रहा है। हम लोग करेंगे सिंपल, ठीक है, अलर्ट पोजीशन इसको बोलो। सबसे पहले पीटी करते हैं स्टार्ट, 5 मिनट का पीटी है, कम ऑन जंप, कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, and 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now 3. Be serious. 2, 3, 4. Continue. 5. Up. Up. Down. Up. Side chain. Other side. Right turn. Dahin taraf ho jaiye. फास्ट स्पीड, स्पीडली इसी पंच का स्पीडली करना है, स्पीडली विद पावरफुल साउंड, जोर से चिल्ला के, ठीक है ना, कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3
एक महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का क्लासेस स्टार्ट किया है, जो कि हम लोग की एक सोच है छोटी सी कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो कई जगह कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन पेपर में वही खबर हम लोग को फिर पढ़ने मिलती है। तो हम लोगों ने इस विषय में सोचा कि क्यों ना नींव मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि आज शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और माँ बाप ये डर से नहीं भेजते बच्चों को कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हम लोग ये अभी एक छोटी सी कोशिश है कि समाज में इस तरह का अवेयरनेस लाएँ और लड़कियों को सशक्त बनाएं ताकि वो लोग पढ़े भी, आगे भी बढ़े और अपनी रक्षा खुद करें। संयुक्त विपक्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को जेएमएम कार्यालय में तमाम विपक्षी दलों की बैठक की गई। बैठक में आगामी 5 जुलाई को महागठबंधन की ओर से आहूत बंदी की रणनीति तैयार की गई। आगामी 5 जुलाई को महागठबंधन की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया। इसी की योजना तैयार करने को लेकर संयुक्त विपक्ष की एक बैठक जेएमएम जिला कार्यालय में बुलाई गई। बैठक में जेएमएम की ओर से जिला अध्यक्ष संजय सिंह, दिनेश यादव, इरशाद अहमद वारिश, प्रमिला मेहरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, नरेंद्र सिन्हा, शब्बन खान, जेवीएम जिला अध्यक्ष महेश राम, माले से राजेश यादव, राजेश सिन्हा, आरजेडी के अनिल यादव, गिरेंद्र यादव समेत महागठबंधन से जुड़े कई नेतागण मौजूद थे। बताया गया कि भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन झारखंड वासियों के लिए खतरनाक है, इसी बिल के विरोध में बंदी बुलाई गई है। उम्मीद है पूरे राज्य वासियों का सहयोग मिलेगा। जो हम लोग बंद का आह्वान किए हैं उसी में पूरे शहरवासियों का सहयोग हम लोग अपील करने के लिए आज बैठे हैं कि किस प्रकार पूरे शहरवासियों इसमें सहयोग करें, क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण बिल के लेकर आने वाले समय में हमारे बाल बच्चे, हमारे यहाँ के लोगों को भारी कष्ट होने जा रही है। उसी के विरोध में तमाम विपक्षी दल हम लोग बंद का आह्वान किए थे, तो आज सभी दल के लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग निर्णय ले रहे हैं कैसे कैसे इसको बंद कराना है, कैसे लोगों से आग्रह करना है। हम समाज शहर के तमाम दुकानदार भाइयों जितने शहर में दुकान चला रहे हैं सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग 5 जुलाई को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर बंद में शामिल हों। झारखंड बंद के कैसे सफल करें, लोगों से अपील के लिए लोगों के बीच में नुक्कड़ सभा के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों से अपील करने के लिए सभी दलों के साथी यहां जुटे हुए हैं और कैसे बंद सफल हो, गिरिडीह जिला पूरी तरीके से 5 जुलाई को बंद हो। जो सरकार के जो जन विरोधी निर्णय, भूमि अधिग्रहण कानून जो एक तरीके से किसानों को, रैयतों के, यहां के निवासियों के पेट पर लात मारने वाली जो कवायद है झारखंड की सरकार की, इसका पूरा विपक्ष विरोध करता है और इसी विरोध के तहत जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है उसको हम लोग पार्टी आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बनाने के लिए बैठे हुए हैं और इसके निमित्त हम लोग 3 तारीख को नुक्कड़ सभा करेंगे, 4 तारीख को हम लोग शाम को मशाल जुलूस निकालेंगे और 5 तारीख को हम लोग बंदी का आह्वान किए हुए हैं और हम लोग सड़क पर उतर करके हम सभी प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय और आवागमन करने वाले तमाम वाहनों को हम लोग बंद करेंगे, ताकि करने की जो साजिश की जा रही है और यहाँ के पूरे ज़मीन को जो कारपोरेटों के हवाले करने की जो साजिश है उसके खिलाफ पूरे झारखंड के आवाम संयुक्त विपक्षी दलों के आह्वान पर आंदोलन पर है और हम सबों का मांग है कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए। और इसी को लेकर के पिछले दिनों जो चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी उसी क्रम में आगामी 5 तारीख को, 5 जुलाई को अखिल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर सभी दलों के लोग हम लोग यहाँ जुटे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इस आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप लिया है, आने वाला 5 जुलाई एक ऐतिहासिक झारखंड बंद के रूप में इतिहास में दर्ज होगा और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। कांग्रेस प्रखंड कार्यालय बेगाबाद में सोमवार को पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन को धारदार बनाने की रणनीति तैयार की गई। बेंगाबाद प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के बेंगाबाद एवं गांडी प्रखंड के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांडी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी निर्मल ओझा एवं पूर्व सांसद डॉ. सरफराज अहमद मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड कमेटी के साथ साथ पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बनाकर संगठन को धारदार बनाने की रणनीति बनाई गई। मौके पर प्रभारी निर्मल ओझा ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर संगठन को धारदार बनाने की कवायद शुरू की गई है और लगातार 2019 के चुनाव तक जारी रहेगा।
विधानसभा का प्रभारी रहे हमारे बड़े भाई उमेश तिवारी का प्रभारी पार्टी ने बनाया है। उस सिलसिले में हम लोग संगठन के विस्तार हेतु, संगठन को मजबूती हेतु आज गांडे बेंगाबाद के प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और प्रखंड कमेटी का गठन के साथ साथ हम लोग अपने अगले चुनाव के लिए हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इस सीट को हम लोग पुनः हासिल करें। इसीलिए आज ये बैठक है। मेरा आना जाना शुरू रहेगा, आप उससे परिचय भी हम कर लेंगे। चूँकि गांडे और बेंगाबाद हम फंसे मिल के एक विधानसभा है, गांडे विधानसभा, तो आज शुरुआत हमारी बेंगाबाद की बैठक से। अब अगला बार गांडे का दौरा होगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग पंचायत स्तर तक हम दौरा करेंगे। आज की बैठक में क्या टास्क दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? आज की बैठक में यही टास्क दिया जा रहा है कि प्रखंड कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए और बूथ कमेटी बनाइए। बूथ कमेटी सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, इसलिए बूथ कमेटी पर हम लोग सेंट्रलाइज हुए। बैठक के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी चुनावी मुद्दों को भूलकर सिर्फ गढ़े मुद्दों को उठाकर आज ही राजनीति करने पर उतारू है। प्रधानमंत्री जनता से किए वादे भूल गए हैं और जनता के सामने बेकार के मुद्दों को लाकर दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता क्षेत्र में पूरी लगन से काम करेंगे और 2019 के चुनाव में अपनी दमदार वापसी करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, दुर्गा प्रसाद, जैनुल अंसारी, मोहम्मद शमीम, प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, दीपक पाठक, आलमगीर आलम, कारू पाठक, मुंशी दास, हसनैन आलम, मनोज दास, नाजिर हुसैन, जाकिर हुसैन, अकबर अंसारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जो आज देश का शीर्ष नेतृत्व है, जिनके हाथ में पावर है, वो अब इंदिरा गांधी के हिटलर की बात कर रहा है, इमरजेंसी की बात कर रहा है, माने बीती बीती बातों को कुरेद रहा है और पुनः राम मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो भैया आपने ये सब बातें, तो ये चैप्टर सारे क्लोज हो चुके। उसके बाद हिंदुस्तान न जाने कितने फेज देखे, इंदिरा जी और इमरजेंसी के बाद कितनी बारें सरकारें आईं, अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ सरकारें बदली, मतलब विपक्ष की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, और इन बातों को 22 कितने सातों को उठाना, अरे किसने मना किया आपकी दो दो बार मजबूत से सरकार बनी, आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, किसने रोका हुआ था आपको बनाने के लिए? और फिर उसी बात को आपने तो इस टर्म में अच्छे दिनों की बात की थी, आपने इस 4 साल के अंदर लोगों को नौकरी रोजगार की बात की थी, आपने बात की थी महंगाई दूर करने की, आपने हर हाथ को काम की बात की थी, और इन बातों को आप भूल गए, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, और चर्चा कांग्रेस के वक्त की करते हैं कि इंदिरा गांधी हिटलर थी और फलाना था। भंडारी ने जामा मस्जिद में सोमवार को हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हज यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि बारी बारी से कई स्थानों पर हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन भंडारीडी के सौजन्य से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ कराया गया है। सोमवार को भंडारीडी जामा मस्जिद में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहां भारी तादाद में जिले भर से आए जायरीनों को हज यात्रा की बारीकियों से रूबरू कराया गया। यहां बतौर प्रशिक्षक हजरत मौलाना मुश्ताक मोहम्मद, मौलाना अबू दरदर शाह, मौलाना मिन्तुल्लाह, मौलाना मोहम्मद कौश आदि मौजूद थे। वहीं इस प्रशिक्षण की सफलता में हाजी मोहम्मद नौखेज, हाजी मोहम्मद डॉक्टर आजाद, हाजी मोहम्मद डॉक्टर रियाज अहमद, सदर मोहम्मद महबूब आलम, सेक्रेटरी मोहम्मद कमरुल होदा अंसारी समेत अंजुमन के अन्य कई लोग लगे हुए थे। बताया गया कि इस बार गिरिडीह जिले से 247 हज यात्री पवित्र मक्का व मदीना की यात्रा पर जाएंगे। इन्हीं यात्रियों का प्रशिक्षण बारी बारी से शहर के विभिन्न स्थानों पर होगा। बताया गया कि अगला प्रशिक्षण आगामी 11 जुलाई को स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद में संचालित किया जाएगा। इसलिए
हो सके जो ऐसा सामान आपका न रहे जो शख्स हो, लिक्विड चीजें जो है वो मना है, लेकिन जरूरी जो दवाइयाँ वगैरह है जो आप खाते ही है, आप बराबर दाने के आप खरीद है उसमें, तो अब उसमें ये सारे लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल जो है सो मोदी सरकार ने सब्सिडी लगा दिया था हज पे जाने वाले लोगों का, तो अल्लाह का देखिए कर्म कितना बड़ा कि आज़ादी के बाद से एक रिकॉर्ड अभी जो हमारे सामने आया है ब्यौरा के सबसे ज़्यादा हज पर इसी बार 2018 में लोग जा रहे हैं जबकि सब्सिडी हटा दिया गया। कितनी बड़ी बात है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ईमान वालों का ये एक बात सामने खुल के अल्लाह की ज़ात से ये जो उम्मीद करते हैं हम लोग ये सामने आया बात कि हम लोग किसी के मोहताज नहीं हैं, अपने अरकान को पूरा करने में अपने इस्लाम को पूरा करने में अल्लाह की मदद काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सामने आई है कि जितने भी हाजी जो हज करने के लिए जा रहे हैं उनका तरबियत का कैंप यहाँ पर लगाने के लिए हज हाउस के तरफ से अनुमोदित किया गया। इसी के बुनियाद पर यहाँ के लोगों ने भंडारीडीह के अंजुमन के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और यहाँ के तमाम नौजवान और तमाम बुजुर्गों ने मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम कामयाब रहा। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग देने के लिए हमारे उलमा इकराम हजरत मौलाना अबू दरदा साहब चतरा के, हजरत मौलाना मिनतुल्ला साहब चतरा के, हजरत मौलाना मोहम्मद कौल साहब गिरिडीह के। ये जो हज का अरकान रखा है ये सारे लोगों पर नहीं है, ये उन लोगों पर है जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेताअत दिया है, सलाहियत दी है, वो सलाहियत की बुनियाद पर यह हज फ़र्ज़ है, सब लोगों पर यह हज फ़र्ज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यह हज ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआएं की जाती है, अमन व सलामती की दुआएं होती है कि जो दुनिया के बनाने वाले हैं, दुनिया को कायम करने वाले हैं, ये उनसे दरख्वास्त की जाती है, लोग उनसे इस्तग़फार करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको अमन व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की सलामती अता फरमा, अमन व अमान अता फरमा। विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में सोमवार को रोटरी ग्रीड ग्रेटर के नए सत्र की शुरुआत की गई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए 51 फलदार पौधों का रोपण किया गया। रोटरी ग्रेडी ग्रेटर के द्वारा सोमवार को रोटरी के नए सत्र 2018-19 की शुरुआत की गई। इस सत्र में 51 फलदार पौधों का रोपण विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष विकास शर्मा, सचिव ज्योति प्रकाश गुप्ता, विजय इंस्टीट्यूट के सचिव राजेंद्र त्रिपाठी, पीपी सुनील श्रीवास्तव, प्रकाश दत्ता, बलराम यादव, संजय खेतान, विकास सिन्हा, सीए ब्रह्मदेव आदि ने कर सत्र की शुरुआत की। पौधारोपण के बाद बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव पूरे मैनकाइंड पर दिख रहा है। विश्व के 15 प्रदूषित शहरों में 12 भारत में हैं। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए पौधारोपण फिल वक्त बेहद जरूरी हो गया है। रोटरी दिवस 1 जुलाई को था, उसी के तत्वावधान में आज हम लोग ट्री प्लांटेशन किए हैं, जो कि पूरे विश्व में रोटरी इंटरनेशनल का जो डे होता है 1 जुलाई, उसमें लाखों पौधों का प्लांटेशन किया गया है। और हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन था, ये इंस्ट्रक्शन तो अमेरिका से आता है कि भाई किस पर्टिकुलर डे में कौन सा रोटरी ईयर कैसे सेलिब्रेट करना है। पिछली बार ब्लड डोनेशन था, इस बार प्लांटेशन है। इसी के तत्वावधान में आकर के सारे हमारे क्लब के जो पदाधिकारी और सदस्यगण हैं वो लोग विजय इंस्टीट्यूट में आकर के यहाँ पे उन लोगों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। और यहाँ पे हम लोग फलदार पौधे, फूल वाले पौधे और जो लंबे होते हैं, घने पौधे होते हैं, लगभग 20 पौधों का यहाँ पर हम लोगों ने पौधारोपण किया है, जिसमें इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। और हमारे क्लब के तरफ से विजय इंस्टीट्यूट के सदस्यगण और जो उनके अधिकारीगण हैं, श्रीवास्तव साहब स्पेशली और त्रिपाठी साहब स्पेशली, उन लोगों का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी विजय इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के हम कोई प्रोग्राम करें। नक्सलियों का एरिया कमांडर धराया, सर्च ऑपरेशन में बिहार बॉर्डर से पकड़ा गया लाल मोहन यादव, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
बेगाबाद में गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की मौत। स्कूल प्रबंधन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जेएमएम कार्यालय में संयुक्त विपक्ष की बैठक। 5 जून की बंदी की बनी रणनीति। भूमि अधिग्रहण बिल मुद्दे पर होगा आंदोलन। और यूनियन बैंक की शाखा का हुआ आधुनिकीकरण। सुसज्जित शाखा का हुआ उद्घाटन। उपायुक्त समेत कई गणमान्य हुए मौके पर मौजूद। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।